हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर ने जो वचन दिखाया उसी के अनुसार मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहता हूँ। आइए उस परमेश्वर के शरण में अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को रखते हुए परमेश्वर के पास हम लोग आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता मेश्वर, तेरे सुंदर समय के लिए पिता मेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता मेश्वर आज जो वचन तूने हमको दिखाया रहा है पिता मेश्वर, पिता मेश्वर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीष कर पिता, यीशु के नाम से तू आशीषित कर पिता, उनके जीवन में तू अद्भुत इसी से कार्य कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया पिता मेश्वर, तेरा महिमा, तेरा प्रशंसा हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में आने पाए पिता, हर एक का पिता परमेश्वर के बंधन खुलने पाए। जितने लोग तेरे पास आए हैं, जितने लोग तेरे करीब आए हैं पिता, उनके हर एक विषय को तू पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, रिबा खाया ना बाला बस्तुरी खरा, हर एक के जीवन में तू अद्भुत इसी से कार्य करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हर एक के जीवन में हर एक बंधन को तू खोलने जा रहा है पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं पितामेश्वर। हर एक मनोकामना तू पूरी कर पितामेश्वर। जितने लोग जिस आशा को लेके बैठे हैं पिता, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके साथ तू बातें कर, और पिता मेश्वर जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से तेरे महिमा करने पाए, पिता मेश्वर तेरे वचन के माध्यम से वो लोग तेरे महिमा करने पाए, उनके जीवन में ऐसे कार्य कर पिता मेश्वर। पिता मेश्वर हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, दया अनुग्रह से तू भर दे पिता मेश्वर। राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा खुदा परमेश्वर, तू आज भी जीवित परमेश्वर है, तू आज भी अद्भुत कार्य करता है पिता मेश्वर। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे जलाल हाथ हर एक जीवन में होने पाए। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं पिता मेश्वर। अभी हम लोग गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे पिता, हमें शंशन हो ले, वचन के माध्यम से तू हमसे बातें कर पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को प्रेम करता है, और उस प्रेम से बढ़कर नहीं जन्मदाता माँ बाप भूल सकता है, मगर परमेश्वर कभी नहीं भूल सकता। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है, जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पीछे में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए अपने जीवन को अपने जीवन को दे दिया, और अपने आप को सूली पर लटका दिया कि ताकि हम जिए, और वो हमारे लिए इतना प्रेम भरा परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया, अपना जान को दे दिया। हाँ, पापी के लिए कोई जान नहीं देता, मगर धर्मी के लिए जान देता, मगर प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए अपना जान को दिया, कुर्बान किया, उससे बढ़कर, उसके बढ़ से, और उससे ऐसा बड़ा प्रेम हम कभी नहीं देखे हैं। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं, अपने हर एक विषय को प्रभु के हाथों में जब समर्पण करते हैं, प्रभु अद्भुत दृष्टि से हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, आइए हम लोग उस परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के वचन में कहता है, जहां दो या तीन में मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूँ। मतलब आज आप हो सके घर में बैठे हैं, या कोई बाहर में आप हैं, कहीं हॉस्पिटल में हैं, कोई दुकान पे शॉप में है, जहां कहीं भी ये वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। हालेलुया, और परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। आइए हम लोग एक नया गीत को गाएंगे, मुझे लगता है ये आप लोग नहीं सुने रहेंगे, फिर भी जितने लोग जानते हैं वो गाना को देख मिलके हम लोग गाना गाएंगे, और जितने लोग नहीं जानते हैं वो सीखेंगे। हालेलुया, आइए हम लोग गाना को गाएंगे। तू ही है राह और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मखलसी मसीहा, तू ही है राह और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मखलसी मसीहा, तेरे लहू से सारे पाप धुलते जाते,
दरीचे आसमानों में बिखरते जाते, तेरे लहू से सारे पाप धुलते जाते, दरीचे आसमानों में बिखरते जाते, मेरी सब राहों की मेरी सब राहों की मेरी सब राहों की तू रोशनी मसीहा, तेरे ही लहू में है मुखलसी मसीहा, तू ही है राहत और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मुखलसी मसीहा, तू आसमानों से नजात बनके आया, मसीहा प्यार की सौगात बनके आया, तू आसमान से नजात बनके आया, मसीहा प्यार की सौगात बनके आया, लुटा दी प्यार में है मखलसी मसीहा, तू ही है जिंदगी जिंदगी मसीहा, तू ही है राख जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मखलसी मसीहा, तू ही है राख और जिंदगी मसीहा, तेरे ही लहू में है मखलसी मसीहा। हालेलुया। आइए हम कुछ दो मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। उस परमेश्वर वचन के वचन से हम लोग जाने से पहले परमेश्वर के पास अपने जीवन को और अपने मन को रखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पितामेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग पितामेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आशीषित कर पिता। उसके साथ साथ मैं अपने आप को तेरे हाथों में तेरे चरणों में हम देते हैं पितामेश्वर। तू हमसे बातें कर वचन के द्वारा, तू हमसे बातें कर पिता। मैं एक पापी अजग्य पिता मिश्र पापी हूँ पिता मिश्र। इस वचन को बोलने का मेरा लायक नहीं है पिता मेकर। पिता मिश्र जितने लोग ये वीडियो को देख रहे उनको देख के तू उनके जीवन में वचन से बातें कर। मेरे मुख के द्वारा पिता तू बातें कर पिता मिश्र, और वो लोग वचन को समझ नहीं पाए उनके जीवन पुकारे कर। हम लोग जन्मजात से पापी है पिता मिश्र। हम लोग दिन भर में बार बार पाप करते पिता मेश्वर, मगर तू अनुग्रह करी परमेश्वर है, तू दयालु करी परमेश्वर है। हमको संभाल और तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य होने पाए पिता। हम पाप से बचने पाए, हमको ऐसी ताकत दे। हाँ पिता मेश्वर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा तेरे जलाली हर एक के जीवन में होने पाए पिता मेश्वर। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए मेरे जीव को तू समर्पण करता हूँ पिता मेश्वर। ना बुद्धि से ना ज्ञान से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा मैं बात करने पाऊँ, ऐसे दया और अनुग्रह कर। सारे आदर और महिमा जलाल तेरे हाथों में हम समर्पण करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने ये सुंदर अवसर को दिया और अगले हफ्ते से इस हफ्ते तक प्रभु ने हमको संभाल के रखा। और प्रभु की महान योजना है, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करते हैं। हमारे हर एक बोझ को हर एक कठिनाई को हमारे परेशानी को प्रभु क्या करते हैं संभाल के उससे हमको बचा के प्रभु हमको आगे बढ़ाते हैं। वो सबसे बड़ा बड़ा चीज है। आज देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं शांति नहीं उनके जीवन में, कोई अपने बीवी के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई घरेलू हिंसा के लिए, कोई जमीन के लिए, कुछ ना कुछ उनके जीवन में क्या होता है परेशानी होता है। मगर प्रभु का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझको अब तक हर एक विषय से वो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में ऐसा आनंद को भरा है कि दुख रहते हुए भी हर इंसान के पास दुख रहता है समस्या रहता है, मगर उससे भी प्रभु हमको शांति देता है। हालेलुया। और उस परमेश्वर आपको भी शांति देगा। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं मैं उन लोगों को एक ही बात बताता हूँ, परमेश्वर सच में आपसे प्यार करता है। मैं एक वचन को जब ये बहुत पुराना वचन है, आप लोग शायद बहुत लोग 99% लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोग सब जानते हैं उनके बारे। हम लोग बाइबल में एक जकई के बारे पकड़ते हैं। जकई एक छोटा
नाटा इंसान था और कर लेने वाला, सूद लेने वाला, चाल पट्टी करके लोग को धोखाधड़ी देने वाला व्यक्ति था। मगर प्रभु आपके हृदय को देखता है मेरे प्रियो, प्रभु आपके मन को देखता है, प्रभु आपके हृदय का हर एक हिस्सा को देखता है। जब हम प्रभु को मन से दिल से पुकारते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। उसी विषय में जब मैं बातें करूंगा, इस जगह के बारे में हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 का 1 से हम जब 14 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वो इरियो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जकई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। क्या करता था? सूद जो लेता है, कर जिसको कहा जाता है, चुंगी लेने वाला, सूद जिसको कहा जाता है, वो एक धनवान व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था। हालेलुया। और वो क्या था? उस चुंगी वालों का लीडर जिसको कहा जाता दल का सबसे लीडर, वहां से वो लीडर था। फिर उसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं उसके नीचे, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वो नाटा था। हालेलुया। आज हम दुनिया का फिल्म स्टार के पीछे दौड़ते हैं, हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। हालेलुया। तब के डेट में भी था, फिल्म स्टार तो नहीं था मगर कुछ ना कुछ तो था, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई सम्राट हो सकता है। मगर ये जकाया क्या कर रहा है? यीशु को देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और यीशु एक ऐसा, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह इसराइल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह थे। जैसे हम देखते हैं कोई सेलिब्रिटी को देखते तो भीड़ उमड़ के जाता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है, उसके लिए बॉडीगार्ड चाहिए। हालेलुया। नहीं तो भीड़ उसके ऊपर लग जाते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के पास भी बहुत सारे भीड़ थे, ऐसे लोग थे, हजार हजार, हजार भी नहीं, वहां मुझे लगता है वहां पर 10-12 हजार लोग का भीड़ जमा हो जाती, क्योंकि यीशु के द्वारा अद्भुत कार्य होता था, चमत्कारी काम होता था, मुर्दे जी उठते थे, लंगड़े चल सकते थे, गूंगे बोल सकते थे, और ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो रहा था। मेरे प्रियो, हालेलुया। वो व्यक्ति देखना चाहता था यीशु कौन है बोल के, यीशु का नाम वो सुना था, वो यीशु को देखने के लिए आगे पीछे दौड़ने लगा। और वो क्या हो गया तो यहाँ पर दिखाया, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था, जिसको कहा जाता है क्या बोलेंगे, बांगरा, जिसको कहा जाता है छोटा व्यक्ति, जिसको कहा जाता है जिसका हाई ग्रोथ नहीं होता, वो नाटा व्यक्ति था, उसने भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था। मगर हम जब नीचे पढ़ते हैं तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसे मार्ग से ही जाने वाला था। हालेलुया। वो क्या किया एक नाटा व्यक्ति, देखिए यीशु को देखना है हमको, देखना मींस ये नहीं कि मुझको दर्शन चाहिए, देखना मींस प्रभु यीशु के पीछे हमको दौड़ना है। तो ये व्यक्ति नाटा इंसान एक पेड़ पर चढ़ता है। हालेलुया। मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से तब वहां पर लोगों का हाइट रहेगा 6 फुट, पकड़ लीजिए, मैं अपने अनुमान से बोल रहा हूँ, कोई सटीक नहीं। वो व्यक्ति मुझको लग रहा है 3.5 या 3 फुट का रहेगा। और वो व्यक्ति क्या करता है, पेड़ पे, अभी पेड़ पर चढ़ना भी आसान काम नहीं होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक नाटा व्यक्ति को चढ़ना आसान काम नहीं होता है। वो क्या किया, उस पेड़ पे चढ़ा, कष्ट करके चढ़ा, अपने शरीर को कष्ट देके वो चढ़ा पेड़ पे ऊपर, केवल केवल प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ, आज मैं आपको सवाल करता हूँ, हम कितने बार प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? हालेलुया। देखना है हमको प्रभु यीशु मसीह को, देखना मीन्स उसके वचन को फॉलो करना है, उसके पीछे होना है। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार हमको चलना है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं।
और जकई क्या किया, उस पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग में जाने वाला था, उस मार्ग से वो देखना चाहता था। हालेलुया। फिर हम देखते हैं जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दुष्टि करके उससे कहा, हे जकई छठ उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। अभी मेरा बात को ध्यान से सुनिए। वहां पर हजार लाखों की भीड़ रहेंगे, ठीक है ना, हजार लाखों की भीड़ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का दुष्ट किसके ऊपर पड़ा? जके के ऊपर किस लिए पड़ा? हालेलुया। जके के ऊपर किस लिए पड़ा? क्योंकि जके के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को पाने का चाह था, प्रभु यीशु मसीह को देखने का चाह था, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा उसको प्रभावित किया था। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जब पेड़ पे चढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह लाखों हजारों से चुन के जकई की ओर देखा और जकई को बोला, तुरंत तू उस पेड़ से उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया। कितना खुश नसीब है स्वयं परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, धरती पर मनुष्य रूप से आया, आज वो उस छूत खोर कर लेने वाले एक धनी व्यक्ति के पास, जो दूसरों के पास ठग के अपना घर को पोसता था, अपने घर को पालन करता था, वही व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे, प्रवेश कर रहे उसके घर। हालेलुया। इतने लाखों के लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह उसी को चुने और प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो जो जगह उसका मेहनत को देख के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। याद रखिए, हम मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं मगर परमेश्वर मन को टटोलने वाला परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह उसके मन को जान लिया था कि ये मेरा वचन को सुनने के लिए क्या हो रहा है, आगल हो रहा है। हालेलुया। आज मसीह समाज में आज मसीह लोग वचन के पीछे भागते हैं और वो मिरेकल पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। जकई कोई मिरेकल को देखने के लिए नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, उसके बातों का अंदर प्रभाव हुआ था, वो जो बात कर रहा था परमेश्वर का स्वर्गीय विषय को जब उसके गहराई को समझा रहा था, तब जगह के दिल में बात किया है परमेश्वर ने, उसलिए जगह क्या किया, उस पेड़ में चढ़ गया। उसको क्या जरूरत था मेरे भाई, इतना धनी व्यक्ति है, उसको क्या जरूरत है पेड़ पे चढ़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ेगा। हालेलुया। और उस जगह ने जब पेड़ पे चढ़ा और परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को देखा तो प्रभु यीशु मसीह खुद उसको बोला, उसका नाम पुकार के बोला, हालेलुया, जगह तू नीचे उतर, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया। फिर हम लोग नीचे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। सोचिए, हालेलुया, एक पापी इंसान, पाप करने वाला, मर्डरर, खूनी, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मर्डरर, खूनी, वो फटसना किसी को एक्सपेक्ट नहीं करता है। हालेलुया। मगर इसके अंदर में प्रभु के लिए एक प्यार था, एक सम्मान था प्रभु के लिए, इसलिए वो तुरंत उतरा, जैसे यीशु बोला तुरंत उतरा और आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। हालेलुया। क्या मैं वो घर, घर हम जब देखते हैं, घर परमेश्वर का मंदिर हम है, प्रभु यीशु मसीह को जब वो ले आ, मतलब उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह को वो प्रवेश कराया। हालेलुया। आज अपने हृदय को खोलिए, प्रभु यीशु मसीह आपको ही पूछ रहा है, आपका जो भी नाम है, मेरा नाम है, मेरे नाम से प्रसन्नजीत, मैं आज तेरे घर में जाने वाला हूँ, हमको आनंद के साथ उसको एक्सेप्ट करना है। डेली प्रत्येक मुहूर्त में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक हर एक समय मिनट मिनट में प्रभु क्या करते हैं, आपसे बातें करते हैं। मैं नहीं जानता मगर मेरे से प्रभु बात करते हैं, आप लोगों से भी बात करते हैं, बस सुनने का जरूरी है आपको। हालेलुया। आपसे बात करते हैं प्रभु, आप ज्ञान से, ध्यान पूर्वक प्रभु से पूछिए कि प्रभु तुम्हें क्या बात करना चाहता है, प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करेंगे, आप चुने हुए मेरे प्रियो भाई बहन, आप चुने हुए हैं प्रभु के लिए, सेपरेट बन गए आप, जिस तरह जकई को प्रभु ने सेपरेट किया वहां पर, आप भी चुने हुए हैं, उसके लहू से खरीदे हुए हैं आप चुने हुए, सेपरेट हैं,
प्रभु आपसे बहुत ही प्यार करता है। हालेलुया। और आज प्रभु आपके घर में, आपके हृदय में, आपके मन में प्रवेश करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसको अंदर आने दीजिए, उसको अंदर आने दीजिए। हालेलुया। जब आएंगे तो आपका गंदगी बाहर निकलेगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य है, यहाँ जा उतरा है, यहाँ जा उतरा है। सब कोई जानता था कि जगह क्या था, एक पापी मनुष्य, कर लेने वाला, सुध लेने वाला। आपका सामान 20 रुपया का है तो वो 10 रुपया का डिमांड करता है, सॉरी आपका सामान 2 रुपया का था वो 10 रुपया का डिमांड करता था, मतलब लूट लूट के खाने वाला व्यक्ति था। इसलिए लोग कुड़कुड़ाने लगे, वो तो पापी इंसान है, यीशु प्रभु कैसे उसके पास जा रहा है। हालेलुया। कैसे वो प्रभु के पीछे हो ले रहा है, कैसे प्रभु उसके घर में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, मैं धर्मी लोगों के लिए नहीं, पापी लोगों के लिए आया हूँ। हालेलुया। जो मन फिराव करते हैं। तब यीशु मसीह जब उसके घर में आया, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देखिए यीशु मसीह कुछ नहीं बोला उसको। हालेलुया। उसका मन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास वचन सुन के उसका मन परिवर्तन हो गया। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, खुद ही बोला, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति, हालेलुया, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, जो गरीब दुखी है उनको दे रहा है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिरा देता हूँ, चौगुना फिरा देता हूँ, मतलब चौथा गुना वो क्या कर रहा है, फिरा दे रहा है, वापस करा दे रहा है। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में एंट्री करते हैं, वो जब आपके घर में प्रवेश करते हैं, ये हृदय, ये शरीर मंदिर हो या आपका घरेलू मंदिर हो, जब वो प्रवेश करते हैं तो हर एक बंधन हटता है, हर एक बीमारी, हर एक सांप चला जाता है, हर एक जादू टोना का विद्या चला जाता है, आपके घर में परेशानी चला जाता है, आप जिस कंगाली में जी रहे उससे प्रभु निजात दिलाता है, आप जितने भी आपके घर में आपका पति शराब पीता हो, या आपका भाई से पटरी नहीं होता हो, बहन से पटरी नहीं होता हो, सास और बहू में पटरी नहीं होता हो, तो हर एक विषय में प्रभु क्या करता है, वहां पर शांति को देता है। और हमारे मन से हाय हैं, जैसे जकई ने बनाया था खजाना, पाप और बुराई से बनाया था, उस खजाना को क्या कहते हैं, हम अपने शरीर से निकाल देते हैं, अपने मन से निकाल देते हैं, अपने हृदय से निकाल देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और प्रभु क्या कहते हैं, उसको नीट एंड क्लीन करता है। जहां पर परमेश्वर का कदम आता है उस जगह में परिवर्तन आ जाता है मेरे प्रियो, उस जगह में नया जीवन आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर लीजिए, उस जगह के तरह परमेश्वर के लिए खोजी बन जाइए। हालेलुया। एक खोजी होना है हमको प्रभु के लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को लेकर, फिर हम लोग 10 में पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुए जो भटक गए हैं उसको लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, धर्मी के लिए नहीं। अलग धर्म में देख सकते हैं हम, मैं किसी को पर्टिकुलर कोई धर्म के बारे नहीं बता रहा हूँ, मगर हम देख सकते हैं जितने भी आए हैं, जितने भी पैगंबर, जितने भी देवी देवता आए हैं, जितने भी सब कुछ जो आए हैं, वो लोग क्या करते हैं, पापी लोगों को विनाश करने आए हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह पापी को विनाश करने नहीं, देने के लिए आए। धर्मी लोग तो स्वर्ग में जाएंगे ही, पापी लोग कहाँ जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। उस पापी को बचाने के लिए प्रभु आए।
हालेलुया। इसमें हम सीख सकते हैं, इस वचन के अनुसार हम सीखते हैं, जकै जो था वो एक नया बन गया, नया बन गया जकै। वो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर दिया, उसने आप प्रभु को घर में प्रवेश कराया। तो घर में जब प्रवेश हुआ तो उसके हर एक जो गंदगी था उसके जीवन में, जो पाप से वो गुजर रहा था, उस पाप से वो निजात बन गया। हालेलुया। हम लोग और एक जो वचन पाते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रभु क्या करता, हर एक विषय को क्या करता है, नया बनाता है। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 21 का जब हम 5 को पढ़ रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, देखिए, और जो सिंहासन पर बैठा था वो कौन बैठा था, प्रभु यीशु मसीह बैठा था। और जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जितने कुछ भी देख रहे हैं आप, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तब आप क्या बन जाते हैं, कि नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। पुरानी स्वभाव, पुरानी आदत सब क्या हो गया, मिट गया। हालेलुया। पीछे मुड़ के हमको देखना नहीं, अभी आपके लिए एक लक्ष्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और मैं सब कुछ नया कर देता हूं, फिर उसने कहा कि लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास की योग्य और सत्य है। जो भी वो कोई सा भी कास्ट हो, छोटा हो, बड़ा हो, नाटा हो, ऊंचा कास्ट का हो, नीचा कास्ट का हो, दलित हो, जितने भी हो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है वो नया बन जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लोग भले आपको बाद में आगे आपको थू थू करते हो, जब प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं तो लोग आपके जीवन में एक परिवर्तन को देखते हैं, जिस तरह जकै के जीवन में हम लोग देखते हैं परिवर्तन आया। वो ऐसे हो गया, पागल हो गया प्रभु को देख के, कि प्रभु को बोला मैं आधी संपत्ति प्रभु गरीब कंगालों को मैं बांट देता हूं। हालेलुया। आज प्रभु के पीछे जब हम भागते हैं तो उसी तरह हमारे जीवन में भी क्या होता है, प्रभु के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई पागल व्यक्ति बोलेगा, संसार का लोग अगर रहेगा तो वो बोलेगा अरे ये पागल हो गया, इतना धन संपत्ति मिलने वाला व्यक्ति अपने दौलत को बिचारा। हालेलुया। मगर वो अपनी आत्मा को जान गया, इसको मैं पाया हूँ, प्रभु यीशु मसीह को पाया हूँ, तो मेरे लिए वहां पर स्थान है। इसके मुंह से, इस प्रभु से ये प्रेम का वाणी बताता है, भलाई का बात बताता है, मैं गरीब लोगों को लूट के जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है। एक ना एक दिन मनुष्य को क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है। तब मैं कहां जाऊंगा, उस टाइम मेरे पास ये जो वचन मेरे पास पहुंचा था प्रभु का, इसने मुझको उठा दिया था, इस वचन के द्वारा मैंने सुना था, तब मैं प्रभु को नहीं सुन के भी मैं अनजान बना, तो मेरे लिए उस नर्क की आग में झुका जाएगा। उसने समय लेते अपने जीवन को सुधारा और आज वो जगह है, निश्चय प्रभु के साथ स्वर्ग में। हालेलुया। आज भी आपका समय है, अपने जीवन को, अपने मन को प्रभु के हाथों में दीजिए मेरे प्रियो, तभी प्रभु आपके जीवन में आज अद्भुत से कार्य करेगा। आप एक नया सृष्टि बनेंगे, आप प्रभु के लिए नया एक मार्ग को दिखाएंगे लोगों को। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूँ ये जो वचन को सुने हैं, जितने लोग भी इस वचन को सुने हैं, अगर इसके अनुसार आप अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में एंट्री करा रहे हैं, हृदय में प्रभु को ले रहे हैं, तो निश्चय प्रभु आपको आशीर्वाद करने जा रहा है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और यहाँ पर हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। धन्यवाद पितामेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखे पिता उनके जीवन को कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पितामेश्वर, उनके हर एक विषय को यीशु के नाम से पूरा कर पिता। जी जो जो वचन बोया गया पिता, 30 गुना 60 गुना 100 गुना उनके जीवन में फल उत्पन्न होने पाए, और खुशी से तुझको स्वागत आनंद के साथ अपने हृदय में, अपने घर में पिता प्रवेश कराए, तेरी आत्मा को प्रवेश कराए पिता, और उनके जीवन में एक नया सृष्टि को उत्पन्न होने पाए पिता, ऐसे उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पितामेश्वर, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे सके पिता, दया अनुग्रह दे पिता। उसके साथ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बीमार में हो पितामेश्वर, कष्ट में हो, घरेलू हिंसा में हो, आर्थिक स्थिति में हो पितामेश्वर,
परिवार में अशांति हो, जो कुछ भी संसार का कोई भी परेशानी हो पिता विश्व, हालेलुया, मैं यीशु के नाम से हर एक बॉन्डेज को, हर एक बंधन को तोड़ता हूँ और तेरी महिमा उनके जीवन में होती पाए। सारे आदर और महिमा जलाल तुझको देते पिता, तू हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ जय मसीह की।